तो पार्ट सर में आपसे कर स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्लासिक मोटर्स पे तो मैं आपके लिए आज लेके आ चुका हूं महिंद्रा एक्स यू थ्री डबल ओ डब्ल्यू एट टर्बोस्पोर्ट्स के साथ में तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू ग्रिल डिजाइन है इसके प्रोजेक्टर हेडल्प आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं बाकी फॉक लैम्प वगैरह भी देख सकते हो आप कुछ इस तरह की अलग ही डिजाइन के अंदर मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई टायर साइज की बात करें तो टू जीरो फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटीन इंच के एलोवेल्स आपको मिल जाएंगे और ये ब्रॉन्स वाला कलर है जो बहुत ही तगड़ा लगता है मतलब अलग ही डिजाइन के साथ में आता है एलोविल्स की डिजाइन देख सकते हो बहुत ही अच्छी है बाकी ग्राउंड इसका है वन एटी जो अच्छा खासा ग्राउंड क्लेंस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा बाकी यहाँ पे आप एलो के डिजाइन देख लो बहुत ही तगड़े बना दिए हैं पहले से भी ज्यादा तो भाई महेंद्रा ने अब तो पूरी की पूरी गाड़ी को प्रीमियम बना दिया है तो इंजन की बात करते हैं तो इसके अंदर ग्यारह सौ सत्तानवे सीसी का इंजन मिलता है सिलेंडर के साथ में वन पॉइंट टू लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है इसके अंदर पावर की बात करें तो वन ट्वेंटी बी एच पी इसकी पावर है और दो सौ तीस एन एम टॉर्क इसके अंदर मिल जाता है बात करते हैं इसकी माइलेज की तो अट्ठारह से उन्नीस तक की माइलेज ये गाड़ी आपको निकाल के दे देगी बाकी एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ग्यारह लाख पैंसठ हजार इसकी एक शोरूम प्राइस है जो बहुत ही बढ़िया है इस तरह की गाड़ी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो टर्बो का आपको बैजिंग मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर बाकी कुछ इस तरह की बल्कि लुक आपको बाहर से मिल जाएगी लेकिन ब्रॉन्स कलर बिल्कुल बहुत ही तगड़ा लग रहा है इस गाड़ी के अंदर तो चलो चलते सीधा इंटीरियर के अंदर देखते हैं इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है इस वाले मॉडल के अंदर तो बैठ के बताता हूं आपको सारी की सारी चीजें बाकी सीट्स वगैरह बहुत ही अच्छी बनाई गई है तो चलिए देखते हैं इंटीरियर आ चुके हूँ ऑल न्यू महिंद्रा एक्स यू के अंदर ए डब्ल्यू वाला वर्जन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के स्टेरिंग कलर वगैरह मिल जाते हैं वही मतलब प्रीमियम चीज बना दी है इस गाड़ी को भी न्यू लोगो आ चुका है और क्लस्टर का डिजाइन देख लो कुछ इस तरह का क्लस्टर का डिजाइन है यहाँ पे आरपीएम वगैरह मिल जाते हैं पे स्पीड वगैरह और यहाँ पे सारी की सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है के अंदर बाकी यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के आपको सारे के सारे कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं स्टार्ट शॉप यहाँ पे है इस गाड़ी के अंदर और कुछ स्पेस यहाँ पे नीचे की और आपको मिल जाएगी और बाकी यहाँ पे एसी वगैरह का कंट्रोल आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए आपको इसके अंदर मिल जाता है लेकिन जो लुक वगैरह है वही ओल्ड वाली है लेकिन डैशबोर्ड की डिजाइन वगैरह देखो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है और ग्लव बॉक्स भी कुछ इस तरह का मिल जाता है थोड़ी लाइट की कमी है रुको तो कुछ इस तरह का बहुत ही बड़ा ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है मतलब महिंद्र का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स एफ थ्री डबल के अंदर मैंने देखा है अभी तक बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह की स्पेस वगैरह मिल जाती है और एसी भी यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा बनाया गया है तो यहाँ पे डिस्प्ले देख लो सात इंच की डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी है वैसे क्योंकि कोई इस तरह से मगज मारी नहीं है इसके अंदर होम रेडियो फोन इन्फो डिस्प्ले सारी के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं पार्किंग लाइट्स का कंट्रोल है बाकी यहाँ पे आपको दो दो यूएसबी और एक ऑक्स केबल मिल जाता है ट्वेल्व वर्ट का पोर्ट भी मिल जाता है फोन भी रख सकते हो आप यहाँ पे बाकी यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन है दो दो कप होल्डर्स है और हमरेस्ट के अंदर ही बहुत ही ज्यादा वाली स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाती है और बहुत ही अच्छा हमरेस्ट है और यहाँ पे और एक चीज देख लो यहाँ पे सन भी आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर और सीट्स की क्वालिटी की बात करें बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट गया है साइड के अंदर आपको आम रखने के लिए और स्पेस भी देख लो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है पीछे की ओर जाके दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है वो जरूर बता देना और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत सारी आने वाली है यहाँ से स्टार्ट स्टार्टअप इंजिन बटन आपको मिल जाएगा लेकिन बहुत ही सारे कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर आपको दे दिए गए हैं गुड बाय बाय महिंद्रा प्रीमियम कार भाई प्रीमियम कार की बात ही अलग होती है तो यहाँ पे पीछे भाई देखो कितना बड़ा स्पीकर आपको मिल जाता है ये बोतल रखने के लिए जगह और यहाँ पे एक पावर विंडोज का ऑप्शन मिलता है ताकि इसको स्पेस यहाँ पे भी मिलती है और आम भी अच्छे से आप सॉफ्टली रख सकते हो क्योंकि सॉफ्ट टच दिया गया है यहाँ पे और पीछे एसी नहीं मिलते हैं लेकिन भाई ऐसे ही गाड़ी ठंडी कर देगी बाकी लेग स्पेस की बात करो अगर सीट पीछे भी करोगे आप तो भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं और साइड में भी कुछ इसी तरह के कंट्रोल्स वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे और यहाँ पे पीछे अमरेस के अंदर दो कपड़ोस मिल जाते और बहुत ही कंफर्टेबली आप ट्रैवल कर सकते हो पीछे की लुक देख लो इस तरह से कुछ पीछे से आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी तो इसकी बूट्स पे दिखा देता हूँ बाकी लेग स्पेस के अंदर इस गाड़ी में मतलब महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले लो भाई लेग स्पेस में कोई कमी नहीं है तो अगर ये कार आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो डब्ल्यू एट मॉडल है जो टॉप मॉडल अभी नया नया आया है तो पीछे बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ मैं तो चलो अब सीधा इसकी अब बूट स्पेस हम देख लेते हैं तो बूट यहाँ से आप यहाँ से बटन दबा के डायरेक्टली ओपन कर सकते हो तो बूट स्पेस की बात करें तो दो सौ सत्तावन लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है और कुछ इस तरह से आपको स्पेस वगैरह मिल जाती है तो यहाँ पे मैं आपको अब स्पेरविल दिखा देता हूँ भाई बहुत ही बड़ी जगह में स्पेयर व्हील रखा हुआ है तो आपको निकालने में आसानी होगी इसलिए थोड़ी बूट स्पेस कम हो चुकी है तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ से बाकी गाड़ी के अंदर बंद नहीं कर सकते बूट को तो कौन सी गाड़ी के अंदर नहीं कर सकते वो ज़रूर बता देना इसके अंदर कुछ हिला भी नहीं पीछे डिफोकर वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल जाती टैंक कैपेसिटी इसकी फिफ्टी सेवन लीटर्स की है जो बहुत ही अच्छी होती है मतलब फ्यूल डलवाओ और ज्यादा घूम सकती हो आपको कैसी लगी ये गाड़ी वो कमेंट में जरूर बता देना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे रहा बाकी महिंद्रा की और भी गाड़ी की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना